गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड एस्टिमेट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन व्यू ऑफ कंट्रीज चॉइस ऑफ प्लान डेवलपमेंट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स वॉज रेकोगनाइज्ड। इंडिपेंडेंस टाइम तो बाद की होया भी जो भी अपना गल की नैशनल इनकम की या फिर इसके कंपोनेंट्स जो होर भी ज़्यादा की होने लगे रिकोगनाइज होने लगे मीनस होर भी ज़्यादा की हुई फाइंड आउट हुए। अकॉर्डिंगली द नैशनल इनकम कमेटी वॉज अपॉइंटड इन 1949। फिर की हुई एक कमेटी बनी नैशनल इनकम कमेटी 1949 दे विच। द कमेटी वॉज इंट्रस्टड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन द नैशनल इनकम एंड रिलेटेड एस्टिमेट्स सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटीज ऑफ द अवेलेबल डेटा एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ फर्दर एसेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड रिकमेंडिंग वेज। जो कमेटी है ये किस चीज़ के लिए बनी? टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट ऑन नैशनल इनकम, ताकि की बन सके एक नैशनल इनकम पर रिपोर्ट बन सके, इसके रिलेटेड जिन्हें भी सजेशनस ने एस्टीमेट्स ने वो लगाई जान। क्यों लगाई जान? ताकि जिन्नी भी क्वालिटी एक डाटा की है ना जो अपने कलैक्ट किया है या फिर अपना स्टैट के उसको फॉर्म किया उसकी जो क्वालिटी होर भी ज़्यादा की होने लगे इंप्रूव होने लगे। इंप्रूव क्यों हो लगे? क्योंकि अपने की करने उस फील्ड के विच की करने एक रिसर्च करनी है। हम जो आप कोई भी रिसर्च करते हैं उस चीज़ लिए सब तो पहले तो अपने को होना चाहिए एक क्वालिटेटिव या फिर आप कह सकते एक भी रैड आप कह सकते भी रॉ डाटा नहीं होना चाहिए भी जो अपने को अवेलेबल है, ठीक है, फुल फ्लैज अपने को इनफॉर्मेशन होनी चाहिए है। नैक्सट की है, फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज वी हैव द फॉलोइंग सीरीज इन द नैशनल इनकम एस्टिमेट्स। फर्स्ट की है कन्वेंशनल सीरीज। द कन्वेंशनल सीरीज प्रोवाइडेड नैशनल इनकम डाटा बोथ एट करंट प्राइसिस एंड एट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 1948 टू 1949 प्राइसिस कवरिंग द पीरियड। द कन्वेंशनल सीरीज डिवाइडेड इकोनमी इन टू 13 सैक्टर्स। की होया जो कन्वेंशनल सीरीज है इसने इकोनमी किन्ने सैक्टर्स डिवाइड किया? 13 सैक्टर्स। इनकम फ्रॉम 6 सैक्टर्स एग्रीकल्चर इन एनिमल हसबेंडरी फोरैसट्री फिशरी मीनिंग फैक्ट्री मीनिंग कि मतलब भी लाइक आप कह सकते भी ऑयल वगैरह फाइंड आउट करना एंड फैक्ट्री स्टैबलिशमेंट इज इज कैलकुलेट बाय द आउटपुट मैथड एंड इनकम फ्रॉम द रिमेनिंग 7 सैक्टर्स। जो आप कह सकते भी 13 सैक्टर्स डिवाइड किया तो पहले 6 सैक्टर्स कि हो गए एग्रीकल्चर हो गया माइनिंग हो गया फैक्ट्री स्टैबलिशमेंट्स हो गई दैन नैक्सट कि हो गए लाइक बैंकिंग हो गया इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मीनस आप कह सकते भी जो फस्ट से गुड्स के रिलेटेड से लास्ट वाले किस रिलेटेड से सर्विसिज रिलेटेड से सर्विस लाइक कोई प्रोफेशन हो गए ट्रांसपोर्ट हो गया पब्लिक अथॉरिटीज़ हो गई। नैक्सट अपने को नैट आउटपुट और प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मैथड। द कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी फ्रॉम एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फिशरी फोरैसट्री एंड लॉगिंग मीनिंग क्वेरिंग इट इज़ एस्टिमेट बाई यूजिंग द आउटपुट और प्रोडक्शन मैथड। देखो अपन पता भी फिशरी हो गया ना मीनिंग हो गया ये सारे की ने एक इस तरह के प्रोडक्ट ने जो आफ्टर वेरियस स्टैप्स की होंगे ने प्रोड्यूस होंगे ने भी स्टेज टू स्टेज लाइक आप कह सकते भी रॉ मटीरियल वर्किंग प्रोसैस फिनिश्ड प्रोडक्ट बी आर कैश फेयर एंड रॉ मटीरियल एक प्रोसैस के थ्रू ही बन के की आते हैं फाइनल आउटपुट के फॉर्म के क्रिएट होंगे ने तो अपना आप की बन गया वैल्यू एडेड मैथड मीनस ईच एंड एवरी स्टैप उसकी की हो रही है वैल्यू जी एडअप हो रही है। This method requires in the first instance estimation of the gross value of the product, by-products and ancillary activities. Ancillary activities kede hunde ne apne keh sakde vi manufacturing level ni activities and thereafter the value of input of raw material and services is deducted from it. Jo apan ki karde ne finally sale kar denne ha fir apan us amount nu ki kar denne ha deduct kar denne ha expenses de vichon। एग्जाम्पल देखो इन एग्रीकल्चर द आउटपुट ऑफ ईच क्रॉप इज एस्टीमेट बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया शोन बाय द फील्ड पर हैक्टेयर। आप करते हैं एग्रीकल्चर देखो आप मेजर करना तो आप करते हैं हर एक जी क्रॉप है अपनी है ना फसल आप आउटपुट एक अपनी उसनों आप करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं भी किन्ने एरिया के अपने जी एग्रीकल्चर इनकम है प्रोड्यूस की है। फॉर अबटेन द एवरेज यील्ड क्रॉप कटिंग एक्सपैरीमेंट्स वर कंडक्टड। आप करते देखो कि ज़्यादा प्रोसैस करते हैं क्रॉप्स में कट करने के लिए किन्नी ज़्यादा प्रोसीजर्स जो यूज़ करते हैं। फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट सो अबटेन रिडक्शन फॉर द कॉस्ट ऑफ सीड। पहला सीड की हो गया देखो बीज उसकी कॉस्ट हो गई दैन मैन्यूर दैन फर्टिलाइजरस हो गई मार्केट चार्जिज हो गए रिपेयर हो गया डेप्रीसीएशन हो गया हूँ अब यारे कि एक करॉप के ग्रोअप करने लिए एक्सपेंसिज ने तो आप इन्हों की करा नैट वैल्यू डिडक्ट करा लाइक थोड़ी जो एग्रीकल्चर इनकम है एट द एंड किन्ने रुपये
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈੱਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊ, ₹2 ਲੱਖ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 80,000 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਡਸ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨਿਊਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰੋਅ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਡਿਡਕਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਨੈੱਟ ਅਮਾਊਂਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਇਨਕਮ ਮੈਥਡ। द इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ सैक्टर, स्मॉल एंटरप्राइज, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउस प्रॉपर्टी, पब्लिक अथॉरिटीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड बाय द इनकम मैथड। जिन्या भी इनकम्स ने देखो थोड़िया, कोई ट्रांसपोर्ट के इनकम है थोड़ी, कोई बैंकिंग इंश्योरेंस तो इनकम है, ये सारे तुम किस तरह कैलकुलेट करते हो इनकम मैथड के थ्रू। द इनकम मैथड इनवॉल्व द मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट फैक्टर इनकम इन द शेप ऑफ कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉयज एंड ऑपरेटिंग सरप्लसिस इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। हूँ थोड़े कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी कोई बिल्डिंग आप कह सकते हैं ना, तो उतो तुम्हें की इनकम हो सकती है, रेंट मिल सकता तुम्हें बिल्डिंग तो, ठीक है, या फिर थोड़े की हो सकते हैं इंटरस्ट, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड, सारे की थोड़े नैट इनकम मैथड थ्रू की हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशन एंड लिबरल आर्ट्स, डोमैसटिक सर्विसिज, द सेम प्रोसीजर इज अडोप्टड एज फॉर स्मॉल एंटरप्राइजिज। जो तुम एक कॉमर्स ट्रेड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सारे एक जो फर्दर प्रोसीजर अडोप्ट करते हो सेम ही सारे। नैक्सट के नैशनल इनकम विद द रिवाइज बेस, द रिवाइज सीरीज शो द नैशनल इनकम डेटा बोथ एट रिवाइज की हो गया, देखो करंट वैल्यूज़ में भी बेस मनना अपने तो पास्ट में भी। हूँ देखो रिवाइज का मीनिंग की है, सब तो पहला जो आप गल करते हैं ना इनफ्लेशन अकाउंटिंग, एक कंसैप्ट है इनफ्लेशन अकाउंटिंग, उस दे विच की हुंदा है भी कई बार की हुंदा है भी जो बुक्स के आप कह सकते ना भी एसेट्स वगैरह में शो किया उन्होंने ज़्यादा फिर हिस्टोरिकल बेसिस से शो कर देंगे, बट उनका करंट प्राइस जो बहुत ज़्यादा हायर हो रहा हुंदा है, वो जान के टैक्स वगैरह डिबेट करने की करते हैं, वो ओल्ड आप कह सकते जो हिस्टोरिकल प्राइस से ही उसमें चलाई जाते हैं, बट एक टैक्नीक आ जाती है फिर इस चीज़ में आप कह सकते भी ओवरकम करने के लिए, करंट परचेजिंग पार अकाउंट, रिप्लेसिंग अकाउंटिंग, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, करंट कॉस्ट वैल्यू अकाउंटिंग, ये चार मैथड्स ने जोड़े ये की करते हैं इनफ्लेशन अकाउंटिंग रिमूव कर देंगे, मीनस ये की करते हैं रिवाइज कर देते हैं, करंट बेसिस पास्ट बेसिस की कर देते हैं रिवाइज करते हैं, उस आप कह सकते एक पर्टिकुलर एसेट की पास्ट की वैल्यू है उस चीज़ में इग्नोर करना, करंट प्राइस जो उस तो की चल रहा है उस चीज़ को अपने अडोप्ट कर दो कि एक नैशनल इनकम विद रिवाइज बेस। CSO's new series with 1980 to 81 as base. CSO की एक टैग है, एक है ना, इट ब्राउट आउट अनदर सीरीज ऑफ नैशनल इनकम विद 1980 to 81 एज बेस इन प्लेस ऑफ सीरीज विद 1970 to 71 एज अ बेस ईयर। द एस्टिमेट्स हैव बीन प्रोजेक्टेड बैकवर्ड्स टू प्रोवाइड टोटल सीरीज ऑफ नैशनल इनकम फ्रॉम 1950 to 51 ऑनवर्ड्स फॉर परपज ऑफ कंपैरिजन। CSO किस चीज़ के लिए आया 1980 to 81 के कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि जो आप अपनी जी कह सकते हैं भी कंपेरेबिलिटी करते हैं लास्ट ईयर नाल, तो आप करते हैं ऑलवेज लास्ट ईयर नू बेस ही कंसीडर करते हैं, तो ही अपना प्रॉपर कंपेरेबिलिटी जी पॉसिबल है। तो यह सी तुहाडा प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, नैक्सट क्लास में आप नैक्सट टॉपिक करांगे। थैंक यू।